मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। दादू में हमल झील से मंचर झील जीरो पॉइंट तक मुतअद्दिद मकाम पर होने वाले शगाफ पर नहीं किया जा सके, जिसके नतीजे में सैलाबी पानी आबादी और खड़ी फसलों में दाखिल हो रहा है। तफसील रियाज नारिजो से। जी बिल्कुल, मैं अभी मंचर झील जीरो पॉइंट और दादू और जामचर अबरा के सरहदी बेल्ट के अंदर मौजूद हूँ और मेरे कब में जिस नहर को आप देख रहे हैं, ये हमल झील महर से शुरू होती है। जो हदूद की बात करें दादू और जामचर ज़िला की, तो हमल झील से शुरू होती है और सेवन के मंचर झील जीरो पॉइंट पर ख़त्म होती है। 342 आरिस पर मुश्तमिल ये MNV ड्रेन है, जिसको सिम नाला बोलते हैं। तो असल बात यह है कि इस MNV ट्रेन को साल 2022 के सैलाब में जो मुतद्दद शगाफ पड़े थे उनकी तादाद तकरीबन 20 के करीब है। नहीं, ये शगाफ नज़र आ रहा है सिम नाले का। इससे जो मुनफी इसका पहलू है वो ये है कि ये शगाफ जहाँ जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से ये पानी निकल कर जो मकामी आबादी है उसको मुतासर करता है। ना सिर्फ खड़ी हुई काश्त को डुबोता है बल्कि मकामी देहात भी इस पानी के लपेट में आते हैं, घेरे में आते हैं। तो मकामी देहातों ने बोला है कि सिंध हुकूमत को स्पेशल इफेक्ट्स लेकर इस जो शगाफों को पुर करने का बंदोबस्त करना चाहिए। जी, और बलोचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर और गंदाखा के नहरों में पानी का शदीद दबाव बरकरार है, जबकि रबी कैनाल में पड़ने वाले शगाफ के बायस करीबी आबादी के दर्जनों मुतासर खानदान इमदाद के मुंतजर हैं। मज़ीद जानेंगे आबिद बलोच से। बलोचिस्तान के नहरी निज़ाम वाले इलाके नसीराबाद, सोबतपुर, जाफराबाद और गंदाखा में पानी का दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है और इन इलाकों में गुज़िश्ता चार रोज़ से बारिशों का सिलसिला तो रुक गया मगर मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सैलाबी रेलों की आमद का सिलसिला जारी है। नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर और गंदाखा में मुकमा इरीगेशन की जानिब से आने वाले सैलाबी रेलों को महफूज रास्ता देने के लिए अब तक कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए और ना ही इन इलाकों में पड़ने वाले शगाफों को पुर किया गया है और मकामी अफराद जो है शगाफों को अपनी मदद आप के तहत पुर करने की कोशिशें कर रहे हैं। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली अजमल खान मंदोखेल के मुताबिक रबी में मुतासर इलाकों में आज इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी जाएंगी। उधर दरिया सिंध के आखिरी बैराज कोठरी बैराज से निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। दरिया सिंध में रोजाना की बुनियाद पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तफसील अली नईम से। दरिया सिंध में कोठरी बैराज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा भी सकते हैं कि इस वक्त कोठरी बैराज के मकाम पर जो पानी है वो काफ़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है। डाउन स्ट्रीम के मकाम पर अगर हम बात करें तो इस वक्त 2,14,392 पानी का इखराज किया जा रहा है, जबकि अप स्ट्रीम के अंदर जो कोठरी बैराज की कैचमेंट है तो वहाँ पर 2,51,687 क्यूसिक पानी की आमद है। इस हवाले से हमारी जो कोठरी बैराज के कंट्रोल रूम में बात हुई है तो उनका कहना है कि इस दफ़ा जो पानी की जो सूरत हाल देखने में आ रही है, गनीमत होगा कि कोठरी बैराज के ऊपर 3.5 लाख क्यूसिक पानी भी पहुंच जाए। सारी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला सिंध की जानिब से दौरा भी किया गया था सेवन और दादू के इलाकों के अंदर और इस सारी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग भी ली गई है। कोठरी बैराज कंट्रोल रूम हुकाम का ये कहना है कि सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर भी किया जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है लेकिन सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। जी,